हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी गाइस? हम सभी अच्छे हैं गाइस, हम सभी बहुत अच्छे। ना बैठ के बात करो, बैठ के यहाँ बैठ के। हाँ ठीक है, हाय गाइस, बैठ के। हाय गाइस, कैसे हो? बोल मोर मोर चलो हम आगे बढ़ते हैं। गाइस हम आपसे मिल रहे हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी जो कि क्यों ना बैठ 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 ना आपका बहुत बहुत स्वागत है Q&A ब्लॉग में। गाइस Q&A ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है जो हम बनाने वाले थे, तो अब उसी के लिए हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं जो हमने चूज करे हैं और हम एक एक करके मैंने स्टोरी लगाई थी, हम तीनों उसमें मिलेंगे। तो गाइस आप लोगों के बहुत मजेदार से क्वेश्चन थे, पर गाइस बैठो तो बहुत ज्यादा लंबा बन जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करे जिनके हम आंसर देंगे। सुन, भूत आ जाएगा, बैठ जा रहा हूँ, चुड़ैल आ जाएगी, चुड़ैल आ जाएगी, भर तक खा जाएगी, ले जाएगी तो उठा ले। चलिए गाइस इसी के साथ लोना को फोन देके बिठा दिया और हम वन बाय वन अपने पूजा मेरे को भी लेगा ना, खत्म पार्टी दे ये दे, खत्म कर दिया। पता क्या कह रहा ना, मैंने खा, देखो खाया जा रहा लपक लपक, कह रहा ना मैंने खाई, ये कह रही ना मैंने खाई, पापा कह रहे मैंने भी नहीं खाई, दूसरी है, मैंने सच में नहीं कही। सो गाइस हमेशा, चलो अब तीनों सीरियस हो जाओ। चलो मैं गाइस अपने हमेशा मैं अपने Q&A ब्लॉग्स में ना साइड में स्टिकर लगाती हूँ। इस बार बहुत सारे लोगों के ये रिप्लाई थे कि प्लीज हमारा नाम मत लेना, या मेरा ये मत आने देना, मेरा वो मत आने देना, तो इस बार मैंने कहा यार किसी का लगाओ, किसी का मत लगाओ, इससे अच्छा हाँ, मैंने आप किसी का भी नहीं लगाया, मैंने कहा चलो स्किप करते हैं। और ये क्वेश्चन गाइस जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये प्रेरणा ने कहा था कि तू ले ले मैं आंसर दूंगी, तो मैंने ले लिया गाइस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है शीतल का, इन्होंने कमेंट किया है कि प्रेरणा थार कब लेगी। मैं साइड में स्कैनर लगा रही हूँ, आप लोग सब 10-10 रुपए कर दो सारे जितने भी सब्सक्राइबर 10-10 रुपए कर दो, कल ही थार ले हो, मां को 1,27,000 लोग हैं टोटल, और अगर कल भी व्लॉग सबने देखे 10-10 रुपए खाली ज्यादा ना 10-10 रुपए कर दो, कल ही थारा भाई थार लेगा, मां को 6-7 थार आ जाएंगे, कितने जाएंगे टोटल? हाँ 10-10 रुपए कर दो। अरे मजाक करेगा, अभी नहीं, दूर दूर तक प्लान नहीं है, हम कर्जे में डूबे पड़े हैं क्योंकि अभी हमने घर बनाया है, तो थार का देखो अभी 3-4 साल प्लान नहीं है, जो सच बात है बाबाजी वाली कोई बात नहीं है, इसमें 3-4 साल बाद सोचेंगे थार वार, अभी तो तभी नहीं, अभी इसका स्कूल है, सब चीजें देखनी है। जी जो कह रहे हैं तू तो उल्टी बात करी, मैं तो सोचता एनिवर्सरी में तुझे गिफ्ट कर रहा हूँ, मैं स्कूटी मांगी वो तो मना कर दी उसने, थार स्कूटी कहाँ चलाएगी इसका हमारे सर पे, क्यों चलाती मैं वहां से यहाँ आती। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गाइस मुझसे पूछा था, ये मैं हर बार Q&A स्टोरी लगाती हूँ, आप लोग मुझसे हर बार पूछते हो When did you will get married? तो गाइज इसका मैं हर बार आप लोगों को एक ही सेम जवाब देती हूँ गाइज, कि इसका मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है, अब सुबह सुबह भाई नहीं। सो गाइज अभी देखो इसका मेरे पास अभी कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक बिल्कुल कुछ सोचा ही नहीं है, तो मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। आप लोग हमेशा ये वाले क्वेश्चन इतने रिपीटेड थे, बट मैंने गाइज अभी कुछ सोचा हुआ नहीं है, ना घर में कोई भी दूर दूर तक अभी सोच रहा, तो इसका मुझे खुद भी कोई आइडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सुन लो नेक्स्ट क्वेश्चन में, तुम दोनों भी हो दीदी, जब दीदी और जीजू रिलेशनशिप में थे तो आपको पता चला तो आपके रिएक्शन क्या थे, बताओ ना। मेरे कोई रिएक्शन कुछ भी ना, 10 रुपया मोन जावे नहीं गाइस, बहुत स्टार्टिंग तक तो मुझे पता ही नहीं था। अंशु दबा के चैटिंग में इसका ध्यान मेंटल हो रहे थे दोनों हाथ, यहाँ चैटिंग में क्या जाएंगे, वहां से चैटिंग छोड़ गया भाई, पूरा कान बीच दिया यूं करके, अभी खोलने बाद में खुद ही तेज दर्द उठा एकदम, तो और अंदर डाल दिया, लूज तो कर दिया मैंने, यू फिर टाइट हो गया, अपना आप टाइट होगा। हां गाइस इनका हो गया जो भी इनका तमाशा होना था, और अब इसी के साथ ओए बहुत देर हो गया तुम दोनों को। हां वो गिर जाएगा, तो गाइस ये लास्ट जो क्वेश्चन कंटिन्यू था, मैं उसी खोए तो तुम दिलाओगे, चल चल भाई चल, और कुछ चल चल। हाँ तो गाइज ये लास्ट क्वेश्चन जो था कि रिएक्शन क्या थे, तो गाइज मुझे तो ढंग से याद भी नहीं, पर मेरे कोई रिएक्शन भी नहीं थे कुछ खास, जब तुम दोनों को मुझे पता लगा था। अच्छा शुरू में तो दोस्ती बताती थी, तो गाइज मुझे भी नहीं पता कदी था खास, ले मेरे पता गाइज कभी कुछ ले कभी कुछ ले, अपनी चीज के लिए पैसे ले लेती थी बस, इतना ही कर पाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीजू से पूछना, आप लोग बर्थडे पर इतना खर्चा करते हो, मैं तो ये सोचती हूँ कि आपकी एंगेजमेंट होगी तो कितना कुछ करोगे।
किसकी एंगेजमेंट? हम उल्टे आदमी है। अच्छा तेरी पे? हम उल्टे आदमी है, हम जिन फंक्शनों को लोग छोटा करते हैं वो बड़े करते हैं, और जिनको लोग बड़ा करते हैं ना हम कुछ नहीं करेंगे। मेरे सगाई में तो कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल सी सगाई करेंगे। भाई होएगी तो बैंकेट में ही होएगी, जैसे नूना का बर्थडे ऐसी तेरी बैंकेट में होएगी। बस गाइस हमें आप लोगों को फील आएगा तो आएगा, हमें नहीं आएगा, हमारे लिए तो ऐसा लगेगा रोज वाली बात है। गाइस हमारे घर में तो ऐसे ही बनते हैं, इसका बर्थडे ऐसा बनता है जैसे कि एंगेजमेंट हो कशिश का। तो शादी जब शादी होगी, जब होएगा जब आएगा मजा। तो हम लोग बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट कर लेते हैं तो हाँ, ये शादी वाला होगा कि ट्रैक्टर पे बारात आ रही है ऐसे ऐसे, मतलब अलग चीजें इसकी शादी में करेंगे। गाइस प्रेरणा का तो भरोसा नहीं है, कहीं लड़कों वालों की साइड से ना आ रही हूँ मैं, मेरी बहन कहीं वगैरह, अरे यहाँ से आ रही हूँ मैं, बहन ट्रिपल के टाइम में खड़ी हूँ। मैंने कहा इसका सीन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब गाइस जीजू ने निशी और मैं देंगे। जब आपके और निशी की लड़ाई होती है जीजू किसकी साइड देते हैं? किसी की भी गाइस ये अपनी बीवी की साइड देते हैं, क्योंकि ये आने तो जिंदगी 3 सालों में कभी साइड ली नहीं। नहीं गाइस ये आके दिखा देते हैं और फिर जीजू मुझे टरका देते हैं ये बोल के कि तुझे तो पता है ना मन बुद्धि उसका दिमाग कैसा, तुझे पता है ये सब तेरी साइड ले रहा हुआ, फिर ये सब मुझे बोल के साइड उसी की लेते हैं सबके सामने, और मुझे बस अकेले में ये बोल के टरका देते हैं साइड। गाइस क्योंकि इससे मत्था मारना तो गाइस अपनी बुद्धि भ्रष्ट करने वाली बात है, तो इसलिए हम इसको जीतने देते हैं, कोई बात नहीं तू जीत जा। तो ये किसी की साइड नहीं लेते, ये अपनी बीवी की साइड ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब प्रेरणा और पम्मी रिलेशनशिप में थे तो कशिश आपकी कैसे हेल्प करती थी? पैसा लेती थी और किसी को कुछ नहीं बताती थी। नहीं पर मैं तुम्हारी हेल्प ही क्या करती थी, कुछ भी नहीं करती थी, खुद ही इतना मिलने चली जाती थी, मेरे को मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती थी इसको, और नहीं पता होता था मुझे खुद ही, इन्हें तो पता जब लगा 12th की बात पता लगा, इन्हें पहले थोड़ी पता था। हाँ गाइस मतलब ये खुद ही मिलने चली जाया करती थी, कभी पता नहीं कॉलेज का बोल के जाती होगी, ट्यूशन बोल के जाती होगी, स्कूल का बोल के जाती होगी, बट हम लोगों को पता ही नहीं होता था कि ये जा रही है, जो हमें पता ऐसे हेल्प नहीं ली मैंने कभी कि मिलने जा रही तुम घर पे संभालना, तुम कुछ बोल के आ रहे थे अपने घर में ऐसे आ रहे थे, फिर जाके पिट लेते थे हम दोनों, पिटते थे तुम भी मैं भी, तुम्हें कौन मारता था? गाली वाली मिले गई घर के प्रसाद दे गए, मारते भी थे ये पूछते थे कहाँ गया था, नहीं मारते भी थे इसको और फोन छीन लेते थे, गाली भी देते थे सब। तो लड़का बाहर गया ये थोड़ी पता होता, लड़की से मिलने पता होता था ना, जब तो जब मैं नादों को लिकट करा तो समझ जावे चल दिया पट्टा, और फिर आके पिटता था और गाली खाता था, और मैं भी आके पिटती थी गाली खाती थी, पता तूने शुरू शुरू में तो तूने कोई गाली मार पीट नहीं खाई, मैं पिटी नहीं उसके चक्कर, शुरू शुरू की बात करी जो हमें पता ही नहीं था, बिल्कुल शुरू की ना, पर उससे पहले तो बहुत पिटी हूँ, शुरू शुरू में तो नॉर्मल, बाद में जैसे पता लग गई जब हमारे पूरे पर्चे छप गए पूरे गाँव में जब तुम पिटने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम चुपचाप मिलने चल जाते थे, हमें पता था आके पिटना ही है, पिट लेंगे, ट्रिक दे रहेगा इसी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वियर्डेस्ट weirdest thing that you have done in someone else's house? मैंने कोई weird चीज, अच्छा तूने, नहीं तीनों नहीं मैंने, अरे ये मेरे समझ में आई बता, किसी घर में आपने ऐसी हरकत करी है कभी weird जिसमें शर्म आ रही हो, जैसे किसी घर में जाके चोरी कर ली हो कुछ कर लिया हो? ना किसी घर में मतलब कि पाद वाद तो दे भाई, मगर चोरी पूरी तो करी ना, पर मैंने किसी घर में जाके, हम तो किसी के घर ही नहीं जाते गाइस, इतना ज्यादा हम क्या कुछ नहीं चल करेंगे, weird चीज तो है कुछ नहीं, weird के भाई ये हुई है अपना पाद वाद दिया और दूसरे लोग से दूसरे लोगों के घर, हम बहुत ही कम जाते हैं, हम लोग और फिर कुछ ऐसी वियर्ड थिंग हमने करी हो? नहीं ऐसा तो हमने कभी कुछ नहीं किया, किसी घर जाते 10-15 मिनट कुछ ना करी, बस किसी घर जावे तो पा दई खावे पा दई खावे पा दई, तुम चले करी मेरी मैं करती थी क्या, अभी नहीं करती थी जब छोटी थी, जब करती थी क्या करती थी, जब मम्मी के साथ जाती थी कोई काजू बादाम सर्व करता था तो मुट्ठी भर के ले आती थी घर ले आती थी, मुट्ठी भर लेती थी ना, फिर गाड़ी बैठ के खाती थी ऑटो, ये कोई वियर्ड थिंग थोड़ी है, तो सब बच्चे वियर्ड ही है, क्यों है वियर्ड, मैं बच्चे की उम्र में नहीं करती थी ना, मैं जब 11-12 में थी जब करती थी। चलो भैया अगला सवाल तेरी, तो इसकी गाइस ये इसका है गाइज, ये क्वेश्चन ना मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था तो मैंने पिक कर लिया कि आप लोगों को जवाब दे दूंगी, कि नोना के बर्थडे में जो आपने ड्रेस पहनी थी उसका प्राइस क्या था और क्या सब था। तो गाइज वो मैंने कोई प्राइस पे नहीं ली थी, वो मैंने एक दिन के लिए बस जस्ट रेंट पे ली थी, और उसका रेंट मुझे 10K समथिंग प्लस ही पड़ा था, 10K से भी ज्यादा, सिक्योरिटी अलग थी रेंट अलग था, तो मैं बस वो वन डे के लिए लेके आई थी, कोई रोहिणी से लेके आई थी, रेंटल ड्रेस थी वो, रेंट पे ना मैंने खरीदी, आप पहले मिलती है एक दिन बाद वापस कर गाइस, और आप लोग बोल रहे थे भाव खा रही हूँ मैं कि मैं बता नहीं रही आप लोगों को या ये वो, यार वो कोलैबोरेशन के लिए थे, हम खुद पैसे खर्च के रेंट पे लेके आए थे। हाँ तो मुझे भी कोई, मैं उन लोगों से ना मेरी इतनी बातचीत ना कुछ, बस मैं गई थी मुझे शोरूम में पसंद आई मैंने रेंट पे, बट बाद में उन्होंने उसके पैसे भी काटे ना, तो हमें सेटिस्फेक्शन भी नहीं हुई वैसे उनकी शॉप से, मैं सच बताना चाहूँ
तो रोहिणी की कोई शॉप थी, अगर हमारा ब्लॉग भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी शॉप से मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। एक हैंगर रह गया था, एक हैंगर रह गया, इसकी ड्रेस का 300 रुपए काट लिए इसकी जो ड्रेस। हाँ, इतने तो हमें कोलैबोरेशन ही आ जाते हैं गाइस। मतलब मेरा ना मन था कि मैं कोलैब पे कुछ नहीं लूंगी, सो मैं रेंट पे लेके आई थी, तो इसको पसंद था, पर उनका ना बिहेवियर मेरे को मतलब ऐसे लगा अकड़ू टाइप की, हाँ अपना सामान दे रहे हैं बस ठीक है ऐसा। तो इसलिए मैंने भी कुछ ज्यादा फोकस नहीं किया, मैं बस गई जब हमने आप लोगों को इसीलिए शॉप नहीं बताई, क्योंकि हम आपको वही शॉप बताएंगे ना, जब उनका हमारे साथ ऐसा बिहेवियर है तो सोचो आप लोग जाओगे फिर क्या बिहेवियर करेंगे वो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दी, प्लीज मेरा क्वेश्चन का आंसर जरूर देना कि क्या प्रेरणा दीदी, प्रेरणा दीदी, अरे ये क्या है, प्रेरणा दीदी क्या आप अपने सेकंड बेबी से भी उतना ही प्यार करोगे जितना नोना से करते हो? नहीं। क्यों? नोना नोना तो बच्चे तो दोनों तेरे ही है, तुम नोना नोना दोनों तो बराबर, तो बच्चे तो दोनों ही। अब हम तीन नहीं गाइस, इस बात के मैं खिलाफ हूँ गाइस, हम तीन बच्चे सबसे ज्यादा प्यार निशी को करते हैं गाइस, इंश्योर में यू ही मगर यू है, एक बच्चे में जो पहल का बच्चा रहा ना उसमें ज्यादा वो, ये बात है वो, फिर ये सभी की फैमिलीज में होता है, जो पहल का बच्चा होता है उसको ज्यादा ही प्यार होता है, तो हमारे घर में ये पहल की है और इसी से रहेगा, इसी से रहेगा। हमारे घर में नोना पहले की है तो हम लोगों को भी नोना के साथ अपना अटैचमेंट ज्यादा लगाव हो जाए ना पहले बच्चे से। हाँ, दूसरे से भी प्यार करते हैं बट जो पहला होता है तो वो पहला ही रहता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन गाइस, मैंने बहुत ही कम क्वेश्चंस पिक करे थे क्योंकि हम सभी ना मींस बैठे हुए थे, हमने कहा फटाफट से हम एक ब्लॉग शूट करते हैं बिकॉज जल्दी जल्दी सबके आंसर देंगे ज्यादा नहीं खींचते हुए। तो लास्ट क्वेश्चन ये मुझसे पूछा गया था, हुम विल यू चूज फॉर मैरिज, लवर और एन अननोन पर्सन जो सेटल्ड हो। सो गाइज ये भी मुझे अभी इस चीज का कोई आइडिया नहीं है, अगर कोई लवर होता है तो भी कोई इशू नहीं है, अगर कोई अननोन पर्सन होता है तो भी कोई इशू नहीं है ऐसा, वो तो गाइज फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में जो होगा वो मुझे भी पता होगा, आप लोगों को भी पता लग जाएगा, बट हाँ अभी मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि अननोन होगा या कौन होगा। लव मैरिज भी बुरी नहीं है और अरेंज मैरिज भी बुरी नहीं है, फोन भी देते जाना और लाइट भी जला देना गाइस। देखो लव मैरिज भी बुरी नहीं है, अरेंज मैरिज भी बुरी नहीं है, बस हाँ जब वक्त आएगा तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा कैसे क्या होना है, बट अभी गाइस मेरी तरफ से कोई भी ऐसा कुछ है नहीं। बाकी बहुत सारे और भी क्वेश्चंस थे बट बहुत ज्यादा सिमिलर, मैं करवाऊंगा गाइस इसका ब्याह, मैं करवाऊंगा, दिखना रहे तुम उसमें, ठीक है गाइस, मैं ढूंढूंगा इसको लौंडा, सिस्टम है बुरी नहीं होती, अरेंज मैरिज नहीं बुरी होती, बस सामने वाला आप जो अपना पार्टनर चूज करो फिर अरेंज में करो लव में करो, बस अच्छा होना चाहिए, बस इतनी सी चीज मैटर करती है, आपको सपोर्ट करे और शादी चाहे लव हो अरेंज हो दो तीन साल बाद एक जैसी हो जाती है, सब एक बराबर हो जाती है, सब दुखी ये बात है, ये मैंने बहुत से बीवियों और बहुत से मर्दों के मुंह से भी सुनी है गाइज ये बात, ठीक है जिसको बड़ी लाइट जलाना। और गाइज यही था मेरा लास्ट क्वेश्चन, मैंने बहुत कम क्वेश्चंस पिक किए थे इस वाले ब्लॉग के लिए, एंड इसी के साथ हम करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर मैंने ना वैसे यूट्यूब पर मैं स्टोरीज नहीं लगाती, मैं इंस्टाग्राम पे लगाती हूँ, वहां से क्वेश्चंस पिक कर लेती हूँ, अगर आप चाहते हो मैं यूट्यूब से भी पिक करूँ तो इस वाले ब्लॉग पे ढेरों सारे कमेंट्स करना, और बाकी मैं मिलूंगी आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, इस वाले ब्लॉग को एंजॉय करो, लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय, लव यू।